हम बनने वाले हैं डिजास्टर शेफ। मास्टर शेफ। ओ मास्टर शेफ बनने वाले आज हम। और प्रीति बनने वाली है मास्टर शेफ की चीफ जज। अरे चीफ नहीं, चीफ जज। चीफ जज यस। अच्छा हुआ कि आज अक्षदा यहाँ पे नहीं। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हमारे खाना खाने के बाद कल से तू भी नहीं रहेगी। आज के वीडियो में ये दोनों कॉपी पेस्ट करने वाले मेरे फेवरेट डिशेस। मतलब हमको रिक्रिएट करना वो सारे डिशेस। और तुम्हें उसका टेस्ट एग्जैक्टली मैच करना है, ठीक है? ये कैसे होगा यार? तुझे पानी पसंद है? पानी? शट अप। तो फर्स्ट तुम बनाने वाले हो मैकडॉनल्ड्स का मैक महाराजा बर्गर। ओह टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ बर्गर बनाने की, महाराजा तो हम दोनों। महाराजा सिर्फ एक घंटा है बनाने के लिए, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। चल 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 सके चल। चलो सेवक चलो, हम महाराजा है। बर्गर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बन। पर बन क्यों बोलते होंगे उसको? हाँ ऊपर और नीचे से वो बंद होता है ना, इसलिए बोलते हैं बंद करता है इसलिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बर्गर में ना इंडियन टेस्ट रहता है। बराबर है। तो इंडियन टेस्ट के लिए आता है अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर। ओ मैं अनियन पाउडर लाता हूँ, तू गार्लिक पाउडर लेके। ये मिल गया है मुझे गार्लिक पाउडर। आई होप टैंकी ने अनियन पाउडर ढूंढ लिया होगा। गार्लिक पाउडर हो गया, फिर अनियन पाउडर दे। ये देख ये अनियन और ये है पाउडर। अनियन पाउडर हो गया। अरे पर ये अनियन और पाउडर का क्या करेंगे? देख हम अनियन खाएंगे। हाँ स्मेल आता है मुंह से। हाँ वो निकालेंगे कैसे? पाउडर से। क्या 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 क्या? कैल्शियम पाउडर में स्मेल अच्छा होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? अनियन पाउडर मतलब ऐसा पाउडर होता है वो, ये खाने में डालेंगे क्या? जाके ढूंढ ये वाला ले लेंगे। ये देख बर्गर बन लिखा है। तो ये बर्गर का हो गया, अब हमें लेना है सब्जियां। तो तू जाके टोमेटो लेके जा। टोमेटो टोमेटो रेड रेड टोमेटो वेरी वेरी खट्टा टोमेटो। मैं नहीं जानता टोमेटो टोमेटो। नहीं 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 रुक, मैं लेके आता हूं। अभी ना तेल में नहाना नहीं है, तेल में सिर्फ खाना पकाना है। थोड़ा सा तेल से कितना तेल ले रहा है यार तू यार। अगर तुझे ज्यादा बर्गर लगे और तू बोला कि तलने के लिए तेल नहीं है तो फिर तुझे तल दूंगा मैं। ले इसमें तेरे को ही तलता हूँ। ये लाल मिर्च पाउडर और ये है ब्लैक पेपर। A few moments later. तो हमारा सारा सामान यहाँ पे आ गया है और अब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ तुम कर लो ये अपना भी। ठीक है चल देखता हूँ मैं यहाँ से। मैं कर रहा हूँ। चल तो सबसे पहले हमको बनानी है टिक्की, और टिक्की के लिए हमको चाहिए ये। तो गाइस ये रहा हमारा महाराजा मैक। वाओ थोड़ा खा ले तो। अच्छा जैसे बनाना है तो इसको रखना पड़ेगा ना। ओके देख इसके अंदर ना 3 बन है। ओके और 2 टिक्की है। ओके ठीक है तो एक काम कर, बन बना और मैं इसकी टिक्की बनाता हूँ। हाँ मैं बन। अरे बन तो बनाऊंगा ऑलरेडी यार, मैं टिक्की बनाऊंगा, तू सॉस बना। हाँ बहुत सारे सॉस भी है इसके अंदर। हाँ, तो मैं सॉस बनाता हूँ, तू टिक्की बना। जल्दी जल्दी जल्दी। तो पहले देखेंगे हम कि इस टिक्की के अंदर होता क्या है। अच्छा है, इतना तो दिमाग लगाया कि बर्गर खोल के देख रहे कि उसके अंदर क्या क्या चीज है। तो गाइस मैंने अभी इस पैटीज के अंदर देखा, यहाँ पे है ढेर सारा आलू, थोड़ा ऑरेगानो एंड चिली फ्लेक्स। तो इसका बनाना स्टार्ट कर दिया है पैटीज। तो यहाँ पे आलू और मटर मैं बॉईल करने के लिए रख देता हूँ। गाइस ये जो मैकडॉनल्ड्स का सॉस है ना, ये एकदम सीक्रेट रेसिपी है, पर टेस्ट करके तो मुझे पता चल रहा है कि इसमें है मेयोनीज, ऑलिव ऑयल, अंडा, अनियन एंड गार्लिक पाउडर। चलो इनको मिक्स करते हैं और सॉस बनाते हैं। ये है अनियन पाउडर, ये है गार्लिक पाउडर और ये गया ऑलिव ऑयल। ये सब क्या डाल रहे हैं लोग इसके अंदर? गाइस ये देखिए हमारा सॉस एकदम मैकडी के सॉस जैसा ही लग रहा है। ये मेयोनीज का कलर तो सेम ही लग रहा है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। तो हमारा आलू और मटर एकदम मस्त बॉईल हो गए हैं, अब हम इसको मैश करेंगे। मुझे एक बात बता, मैश कराने के लिए मेरे पास ग्लव भी है। क्या करें, ग्लव्स क्यों पहन रहा है? अच्छे खासे हाथ है, अच्छे से मैश होगा। अरे वो हाथ में ग्लव्स तो डालो, पता नहीं कैसे गंदे हाथों से वो स्मैश कर रहे हैं। वैसे उमेश हाँ बोला अपने हाथ कब धोए थे? अरे अभी वो जब पीकू पैदा हुआ था तो उसको फर्स्ट टाइम हाथ में लिया था ना, तब धोए थे। पीकू तो 4 साल का हो गया, उसके बर्थडे पे धोए थे तूने? 4 साल पहले धोए थे? चंदे चंद वैसे भी प्रीति को ही खाना है।
अरे संकेत कुछ बचेगा तो डालेगा भी उसके अंदर। डालूं? हाँ। अच्छे से डाल यार, जल्दी कर। मैच कर दो। अरे हमारे पास आधा ही घंटा बचा हुआ है, जल्दी। देखो अंदर छोड़ गया, चिली फ्लेक्स पूरे टेबल में गिरा। कैसे काम कर रहे ये लोग, कितना गंदा किया है सारी चीजें। अभी आ रहे हैं ना। उमेश ने क्या पैटी बनाई है? तो लड़कियों से ज्यादा रुलाने वाली चीज यानी कि ये प्याज, अब हम वो काटेंगे। तो मैक महाराजा का सारा सामान रेडी हो गया है, अब इसमें हम लेंगे लोअर लेयर ऑफ बन और डालेंगे ये अमेजिंग सा टेस्टी वाला सॉस। कैसा टेस्ट है? तो चलो इसके ऊपर हम ये डालते हैं। बस अभी इन चीजों के ऊपर हम छिड़केंगे थोड़े से वेजिटेबल्स लाइक लेटस और अब डालेंगे टिक्की। और ये इतनी छोटी टिक्की कौन बनाता है यार? ये टिक्की कम ऐसे हुई, लग रहा है कि वड़ा पाव को वड़ा बना रहे ये लोग। ये टिक्की इतनी छोटी कैसे हो गई रे? वो विक्की नहीं है, आलू टिक्की है। ठीक है बना, चल बना जल्दी बना। तो अभी इसके ऊपर और एक बन डालेंगे, बीच वाला बन। ओके, इसके ऊपर और थोड़ा सॉस डालेंगे। सॉस ज्यादा लगा, प्रीति को सॉस अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? इसके ऊपर डालना है हलापीनो। और यहाँ पर आएगी हमारी दूसरी टिक्की और थोड़ा लेटस और प्याज। ये हो गया फाइनल टचअप। इनका ये सब देख के लगता तो नहीं है कि महाराजा बर्गर बना रहे, ऐसे लगते कुछ गरीबों का बर्गर बना रहे। महाराजा मैक जो हमने बनाया है, ये रहा मैक महाराजा फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स एंड दिस इज मैक महाराजा फ्रॉम हंग्री बर्ड्स। तो चलो अब प्रीति को बुलाते हैं और टेस्ट करवाते हैं। अरे वो लोग आ रहे, मुझे बुला रहे, चलो मैं जाती हूँ। आजा। आराम से। पता नहीं मैंने क्यों हाँ बोला ये वीडियो करने के लिए। तो याद रख, एक है रियल मैकडॉनल्ड का बर्गर, एक है हमारा खुद का बनाया हुआ मैकडॉनल्ड का बर्गर महाराजा मैक। तो तुझे टेस्ट कराते हैं, पहले तू बता कि कौन सा तुझे ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है? ओके ठीक है, दे। अरे कब से चबाई जा रही है। अच्छा रुक जा, तेरे को अब दूसरा एक और खिलाते हैं। ये है सेकंड वाला। ठीक है, रिव्यू टाइम। यस हां, जो फर्स्ट टाइम मैंने वो डेफिनेटली तुम लोग ने बनाया है। जो सेकंड है वो मैकडॉनल्ड्स के। पर तूने कैसे पहचाना कि फर्स्ट वाला हमारा है? क्योंकि वो मेरा फेवरेट है ना। बात तो सही है। अब तू देख ले, देख ये है दिखने में कैसा है हमारा है और ये है जो मैकडॉनल्ड्स का है। हमारा कैसे तो तगड़ा है, थोड़ा सा खाते पीते घर का बर्गर। नहीं लेकिन सच में तुमने जो बर्गर बनाया ना, एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था, जैसे मैं देख रही थी ना सीसीटीवी में। सीसीटीवी देख रही थी? क्या देख रही थी तू? अरे वो बनाते हुए देख रही थी। तो मुझे पता था पहले से ये किसका कौन सा है। अरे तो मुझे पता होना चाहिए ना, मर मर गई तो खाके। तो ये डिश खाके तो मैं बच गई। अब देखते हैं सेकंड डिश जो है अक्षदा की फेवरेट, जावा फ्रैपेचिनो फ्रॉम स्टारबक्स। ओके, ए फ्यू मिनट्स लेटर। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि उन्होंने इतना अच्छा बर्गर कैसे बना लिया। अब पता नहीं ये फ्रैपेचिनो कैसे बनाते हैं। हमें बनाना है कैरमल, उसके लिए पहले क्या लेंगे? देख हम डाल देंगे इसमें बहुत सारा चीनी। इतनी ज्यादा शक्कर कौन लेता है? अब सुन, अब तू इस चीनी से कम 5 मिनट बात कर। क्यों बात क्यों करना है इससे? ताकि वो भी पक जाएगा ना, जैसे तो मेरे को पका रहा तो वो भी पक जाएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे बटर। ये देख संकेत, इसके अंदर डालना तो खोल नहीं। ये क्या हो रहा है बता? क्या बटरफ्लाई बटरफ्लाई अब इन द गार्डन। नहीं मैं समझ, फूटेगा तेरे सर पे, फूटेगा। बाप रे, क्रीम एंड ऑल, वाओ। और फाइनली हम इसमें डालेंगे ये वनीला का एसेंस।
Wow, same caramel जैसी स्मेल आ रही है। कैरेमल से कैरेमल की स्मेल आएगी ना संकेत। मुझे लगा नहीं था हम लोग बना लेंगे। नहीं नहीं इजी है। बाप रे, कैरेमल सॉस सच में इन्होंने बना लिया। तो अब हम बनाएंगे हमारी फाइनल कॉफी और उसके लिए सबसे पहले चाहिए ये आइस। आइस को अंदर डाला। अब हम डालेंगे इसमें इंस्टेंट कॉफी थोड़ी थोड़ी। ये डाल दी। दूध इसमें हम डालेंगे। अब ये दूध। इंग्रेडिएंट्स तो उन्होंने सही लिए, नहीं तो मुझे लगा फ्रैपेचिनो में वो लोग कॉफी पाउडर की जगह पे चाय पत्ती ना डाल दे। और फाइनली हमारा बनाया हुआ कैरेमल में से थोड़ा कैरेमल। अरे वाह, मिक्सी विक्सी आराम से चला लेते। कल से इन्हें ना घर पे काम करना सिखाना चाहिए। वाओ, क्या स्मेल आ रहा है गाइस। अब इसको हम डालते हैं स्टारबक्स के ग्लास में। मिलाए हो स्टारबक्स से एक एक्स्ट्रा ग्लास। हां मैं थोड़ा सा पीता हूं। ए झूठा नहीं करने का है। तो हमने ग्लास में थोड़ा कैरेमल डाल दिया है टेस्ट के लिए और अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये फाइनल प्रोडक्ट कॉफी। तो कॉफी डाल दी है, अब इसके ऊपर डालेंगे हम डेकोरेशन। एक्चुअली दिखने में बहुत टेम्प्टिंग लग रहा है और मैं सच में एक्साइटेड हूँ वो पीने के लिए। काश अक्षता यहाँ पे होती। तो फाइनली रेडी हो गया स्टारबक्स वाला कॉफी। तो प्रीति फाइनली दोनों स्टारबक्स जा रहे हैं। एक हमने बनाया और एक एक्चुअल स्टारबक्स है। अब देखिए पता कौन सा क्या है। तो डेफिनेटली ये स्टारबक्स है और ये तुमने बनाया। ओके ठीक है चलेगा। दोनों टेस्ट करो और दोनों एक बार दोनों को एक बार पहले इसको टेस्ट कर। हाँ देखा हमारी कॉफी। मेरा भी ये भी। ऐसा क्यों कर रही है? इतना क्या? स्टारबक्स वाले कब से इतनी बकवास फ्रैपेचिनो बनाने लग गए? अरे पता नहीं। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। ये स्टारबक्स की है और ये तुमने बनाई है झूठे। अक्षदा अगर तू ये कॉफी पीती है उमेश कहती तो पता नहीं कैसे जिंदा बच गई है तू। अब ये पी ना। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम बॉयज के लिए बॉयज जस्टिस बॉयज को चाहिए। जस्टिस फॉर बॉयज। इतनी अच्छी कॉपी बनाई यार। क्या जस्टिस फॉर बॉयज? मैं जिंदा हूँ वो काफी नहीं है क्या?